الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. स्टेज पर बैठे हुए हल्का पीपी 33 के उम्मीदवार बनाए एमपीए मेरे गायक जनाब चौधरी मोहम्मद अली तनवीर साहब, जनाब डॉक्टर कबीर अहमद सिद्धू साहब, जनाब इकबाल गुजर साहब, इस प्रोग्राम के मेजबान मेरे मामू डॉक्टर मोहम्मद यूनस बरनाली साहब, मेरे निहायत काबिल एहतराम बुजुर्ग हाजी गफूर साहब और पंडाल में मौजूद मेरे तमाम बुजुर्गों भाइयों दोस्तों और साथियों, मैं आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। मैं आप सब का दिल की अथागराइयों से शुक्रगुजार हूं कि जिस मोहब्बत जिस जोश जिस वलवले के साथ आप यहां पर तशरीफ लाए और इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। मैं जनाब हाजी गफूर साहब का और डॉक्टर मोहम्मद यूनस साहब को भी इस खूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों अहले बरनाली, जैसा कि आपको पता है कि हमारे खानदान की सियासत का मिशन खिदमत और तमीर और तरक्की है। हमने हमेशा अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की मखलूक की खिदमत और ताबेदारी की। हमारे खानदान के घर के दरवाजे आप लोगों की खिदमत के लिए 24 घंटे खुले हैं और इंशाल्लाह आगे भी 24 घंटे खुले रहेंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों और साथियों, बरनाली मेरा नानका गांव है। मैं आप सबका नवासा हूं, बंजा हूं। 8 फरवरी वाले दिन आपने दोनों महाशेर पर लगाकर मेरी लाज रखी है। पहले आने बरनाली, इंशाल्लाह अगर 8 फरवरी वाले दिन आपने दोनों मोरे शेर पर लगा के जनाब चौधरी मोहम्मद अली तनवीर को और जनाब चौधरी नसीर अब्बास सिंसा को कामयाब करवाया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि तरक्की की ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि पूरे 75 सालों में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने हमें कामयाब करवाया, मैं आपसे वादा करता हूं, आपके इसके भाई का आपसे वादा है कि ना किसी पर झूठी एफआईआर होगी, ना किसी की जमीन पर कब्जा होगा, देहातों तक कारपेट रोड के जाल बिछेंगे, इस इलाके को इस हल्के को अमन का गहवारा बनाएंगे। इंशाल्लाह एजुकेशन सेक्टर को बेहतर करेंगे ताकि आपकी आने वाली नस्ल का बेहतर मुस्तकबिल हो। इंशाल्लाह हेल्थ सेक्टर को बेहतर करेंगे ताकि जो मेरी गरीब माए मेरे बुजुर्ग उनका मुफ्त इलाज हो सके। एहलियाने बरनाली, मैं आपकी मोहब्बतों का दिल की अथागहराइयों से मशहूर और ममनून हूं। आपकी मोहब्बतों का हमारे खानदान के कंधों पर कर्ज है। इंशाल्लाह लेकर अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदगी दी तो आपकी खिदमत आपकी तबियतारी करके झुकाएंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जो वोट आपने चौधरी तनवीर अहमद साहब को और चौधरी नसीर अब्बास सिद्ध साहब को देना है, ये वोट जाना है सीधा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाया, मुल्क पाकिस्तान को मुल्क पाकिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा किया, मोटरवेज का जाल बिछाया। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आपको सी पैक जैसा तोहफा दिया। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर इंशाल्लाह सूबे में और मरकज में हमारी हुकूमत आई, आप लोगों ने दोनों मोरे शेर पर लगा के हमें कामयाब करवाया, इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान को यूरोप जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ में खड़ा करेंगे। आखिर में आप सबका आप तमाम बुजुर्गों का भाइयों का दोस्तों का मैं दिल की अथागहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। जनाब डॉक्टर यूनस साहब का, हाजी गफूर साहब का, शफकत भट्ट साहब का और जितनों का मैं नाम नहीं ले सका, मैं उनका भी दिल की अथागहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद करके ये साबित किया कि 8 फरवरी वाले दिन हर गली से हर घर से शेर की आवाज आएगी। अगर मैं आप मेरे साथ एक नारा लगाए, पाकिस्तान
پاکستان اللہ تعالی میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو بہت بہت شکریہ جزاک اللہ قوم ساری خوشی جو میاں آئے مریم